बना रहे हो अजूबा या मुसीबत? मोटू मेरे यार, मेरे ब्रा, आओ आओ, ये अजूबा से कुछ कम नहीं है। कल पेपर से बनी चीजों का एग्जीबिशन है यार, और मैं भी उस एग्जीबिशन में रखने के लिए पेपर से कुछ बना रहा था, तो ये आइडिया आया। हाँ, लेकिन ये आइडिया क्या है ये तो बताओ। मैंने एक ऐसी मशीन बनाई है कि इसके रेज अगर कागज की चीजों पे डाल दो तो वो चीज जिंदा हो जाएगी यार, उसमें जान आ जाएगी। हाँ। जहाज है, बिल्कुल असली लगता है। इतनी बड़ी बोट सिर्फ कागज से बनाना आसान नहीं है। अच्छा, देखते हैं कि ये रियल होते हैं या नहीं। कर दिया यार, अब ये रियल हो जाएगी। ओए, ये चलेगी भी, इसकी हर चीज रियल हो चुकी है यार। जब से पायरेट वाली फिल्म देखी थी, ये दिल पायरेट बनना चाहता था। थैंक्स मोटू, थैंक्स, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। मैं चला, बाय डॉक्टर झटका। जॉन तो बोट ले भागा, अब वो जरूर तबाही मचाएगा। पकड़ो, आओ। निशाने पे हो, फटाफट रुपयों से हमारा बैग भर दो, जल्दी करो, और भी बैग लूटने हैं। क्या बिनो? पैसा ही पैसा। वो देखो, जॉन बैंक लूट के भाग रहा है। चलो, उसे पकड़ना होगा, जल्दी चलो। Thank you.
आपको धूल चटा दी, अब मुझे रोक पाएगा कौन? साहेबान, मेहरबान, कदरदान, देखिए ऐसा शो जो आपने कभी नहीं देखा होगा, तो आइए देखते हैं पहला शो, पहला कमाल। देखिए कैसे इस छोटे से डिब्बे से निकलता है सुंदर सा गुलदस्ता। तो अंतरू मंत्रू चल राइट खुश, ये फूलों का गुलदस्ता देख के हो जा तू खुश। सॉरी सॉरी, इस बार मैं पक्का रसगुल्ला निकालूंगा, पक्का। देखिए देखिए दूसरा कमाल, अंतरू मंत्रू चर राइट खुश, प्रिंस मेरे रसगुल्ले खा के हो जाए खुश। अरे कोई रोको, ये मोटू जादू उधर दिखा रहा है और उल्लू मुझे बना रहा है। बचाओ बचाओ, अब देखिए कमाल बेमिसाल, अंतरू मंत्रू चर राइट खुश, डिब्बे से खरगोश निकल कर प्रिंस को कर दे खुश। बस अब बहुत हो गया। अरे मुझे म्युनिसिपैलिटी का कचरे का डिब्बा समझा है क्या? सारा कूड़ा करकट मुझ पे ही फेंकोगे? नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। राजा साहब, अगर इस बच्चे की खुशी चाहते हो तो 10 करोड़ मेरे हवाले कर दो। कोई मेरे बच्चे को बचाओ। मोटू, ये सोचो कि हम आइस रिंग में स्केटिंग कर रहे हैं। इसको ले जाओ, आज से ये जिंदगी भर मेरी गुलामी करेगा। नहीं। अरे क्या हुआ मोटू, इतना जुकाम कैसे हो गया? अरे मत पूछो भैया, बस हो गया। लाओ जल्दी से गर्मा गर्म समोसे खिला दो तो जुकाम भी ठीक हो जाएगा। ए मोटो, यहाँ मत छीको, समझे? जैसा तुम कहो। अरे इस बार छीके तो ठीक नहीं होगा, समझे? चलो जाओ यहाँ से, जब तक जुकाम ठीक नहीं हो जाए यहाँ मत आना। जैसा तुम कहो। अरे नहीं नहीं नहीं, फिर से नहीं। अरे
अरे वापस आ, फिर बताता हूँ तन्ने। अरे मैं वापस नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूँ महाराज। डॉक्टर झटका, बड़े भैया क्या कर रहे हो? ओए मोटू मेरे भाई, मेरे यार, बहुत दिनों से अपनी टाइम मशीन को साफ नहीं किया था, वही कर रहा हूँ यार। डॉक्टर झटका, बहुत दिनों से हमने कहीं की यात्रा नहीं की, क्यों ना हम टाइम मशीन में कहीं घूमने चले। ओ यार नेकी और पूछ पूछ, मैं भी यही सोच रहा था यार। उड़ी बाबा, अरे टाइम ट्रेवल का हमको 20 साल का तजुर्बा है, बहुत मजा आएगा। तो अब चले। मोटू मशीन को चला दी, पर उसमें टाइम कौन सा भरा है और जगह कौन सी भरी है यार? वो सब कुछ नहीं मालूम पड़े भैया, वही पहुंच के पता चल जाएगा। अयम्मा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, इस बार बटन मैं दबाऊंगा। बटन दबाओ, वरना हम लोग अभी के अभी तीर का तुक्का बन जाएगा। मैं कोशिश तो पूरी तरह कर रहा हूँ यार, पर ये मशीन चल नहीं रही है, लगता है ये खराब हो गई है। पूरी बाबा, अब क्या होगा? होगा क्या, भागो। टाइम पीस का आइडिया बहुत अच्छा आइडिया है, जब भाग जाओ तो इनको टाइम पीस बोल के रोक दो। अरे माँ कमल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया, इट्स अ गुड आइडिया, कानून की कसम, गुड 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 आइडिया। लगता है इनको टाइम प्लीज का मतलब नहीं मालूम है यार, शायद इन्हें अंग्रेजी नहीं आती, अगली बार हिंदी में बोलना। अब सब लोग आग बुझाने में बिजी हैं, चलो हम अपना काम शुरू करते हैं। जान बनेगा जान, जान बनेगा जान। कोई जरूरत नहीं, हम आ गए हैं। अभी तक तो चिंता नहीं थी, लेकिन अब शुरू हो गई है। सर आपने पानी का पाइप तो हाथ में लिया है, लेकिन पानी नहीं डाल रहे, क्यों?
सामने से पानी डालने से कुछ नहीं होगा, पूरे जंगल पे पानी नहीं पड़ेगा। किसी तरह ऊपर से पानी और फायर एक्सटिंग्विशर का फोम डाल सके तो बात बन सकती है। मैं ये पाइप लपेट देता हूँ, तब तक आप लोग ऊपर से पानी डालने का आइडिया सोचो। क्या कर रहे हो? रोको! सर सर, मैंने पाइप लपेट दिया है। मुझे मालूम है तुम दोनों मेरा पीछा कब छोड़ोगे। सॉरी सॉरी सर, वेरी वेरी सॉरी सर। मुझसे कोई गलती हो गई तो माफ कर दो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। अरे खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती पत्रू, तुम ही सोचो ये आग कैसे बुझाए। आइडिया। चलो अब ऊपर से पानी डाल के आग बुझाते हैं। ये दोनों मुझे ऊपर वाले के पास भेज के ही रहेंगे। अरे रोना धोना छोड़ो और जंगल की आग में पानी डालो। उतारो उतारो, ये फ्लाइंग टैंकर नहीं है। पानी कम हो रहा है, टैंकर के नीचे पानी है, पाइप पानी खींच नहीं पा रहा, टैंकर को उल्टा कर दो। मम्मी प्लीज प्लीज मम्मी, नहीं नहीं उल्टा मत करना। मेरा 20 साल का तजुर्बा में ऐसा कभी नहीं हुआ। मोटू पतलू के साथ कुछ भी सीधी तरह से नहीं होता यार। ओए अम्मा, कोई चीखो चिल्लाओ मत, मेरा हाथ छूट जाएगा। ए पतलू स्टॉप स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ, तुम एक भारत माता की कसम। अरे क्या बात है, आग बुझ गई, पतलू टैक्सी भी कराओ। देखो जॉन कितने बैग्स लेकर खड़ा है, लगता है उसने पूरा फुरफुरी नगर को लूट लिया है। चलो उससे भी हेलो कर लेते हैं। सॉरी सॉरी, बस करो, मैं तुम्हें आधा माल दे दूंगा। सॉरी, फिर से आधा माल नहीं लोगे? सॉरी, मैं सरेंडर करता हूँ। पुलिस पुलिस। अरे मिस चिंगम, चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल, बोले तो ये इम्पॉसिबल। मोटू पतलू, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम दोनों ने आग बुझा दी। तुम दोनों के तरीके अलग हैं, लेकिन उनके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तुम दोनों बहुत बहादुर हो। मैं तुम दोनों को फायर फाइटर का सर्टिफिकेट दूंगा और सरकार से इनाम भी दिलवाऊंगा। थैंक यू सर। वर्मा जी को जॉन द डॉन की वैन मिलेगी। अरे वाह, क्या बात है, मुझे जॉन की वैन मिलेगी। भाई वाह, क्या बात है, कमाल हो गया। ये नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं दे सकते बाबा, मशीन ने कहा है तो जरूर दे सकते हैं। ये वर्मा जी कौन है यार? हाँ मैं हूँ वर्मा जी। ये लीजिए, आपके लिए जॉन साहब ने ये वैन दी है, आज से ये आपकी। जॉन
साहब ये फैन कैसे दे सकते हैं? अरे क्यों नहीं दे सकते बाबा, मशीन ने कहा है तो जरूर दे सकते हैं। जॉन का लूट का सारा माल तुम्हें मिलेगा। नहीं, ये तो कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। आप लोग यहीं रुको, मैं अभी एक मिनट में आता हूँ। मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। माल तुम्हें किसने दिया? जॉन साहब ने। अरे जॉन साहब कैसे दे सकते हैं? अरे क्यों नहीं दे सकते, उन्होंने ही तो दिया है। नहीं दे सकते, जॉन साहब कैसे दे सकते हैं? जॉन तो मैं हूँ, मैंने कब दिया? सॉरी सॉरी। जॉन कौन? तुम जॉन हो? अभी पता चल जाएगा, अभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। अरे मैं जॉन हूँ, जॉन डॉन, मुझे मेरा लूट का माल वापस दे दो प्लीज। इसने ये सब हमें शहर से बाहर निकलवाने के लिए किया। इसने हमें धोखा दिया है। मोटो पतलो, तुमने मेरी वैन छीन ली, मेरा लूट का माल छीन लिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। देखिए देखिए, इस साल की सबसे जबरदस्त फिल्म। देखिए देखिए देखिए, एक बार देखने आओगे तो बार बार देखोगे। अब भाई लोगों, यार लोगों, आओ भाई आओ, अब हमारी सुपर हिट फिल्म देख के जाओ। आइडिया, अगर हम बहुत सारे जूते चप्पल थिएटर के बाहर रखें तो लोगों को ऐसा लगेगा कि बहुत सारे लोग फिल्म देखने आए हैं। गुड आइडिया। आओ आओ, देखो भीड़ बढ़ती ही जा रही है, आखिरी कुछ टिकट बचे हैं। ये देखो कितने लोग जूते चप्पल उतार के अंदर गए हैं। अरे सुनिए मोटू जी, फिल्म देखने के लिए सबके जूते चप्पल बाहर क्यों हैं? ओहा, इस बार हमने सफाई का खास ध्यान रखा है ताकि गंदगी से बीमारियां ना हो। अरे वाह भाई मोटू पतलू वाह, इस बात पर मुझे 4 टिकट दे दो। लगता है फिल्म अच्छी होगी, जब इतने लोग अंदर हैं तो अच्छी ही होगी। मुझे 5 टिकट देना। मुझे भी। ओए, मुझे भी एक टिकट दे दो। अरे एक एक करके आओ, एक एक करके भैया। ओए मोटू पतलू, तुमने तो कहा था कि अंदर बहुत लोग हैं, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। चिंगम के चंगुल से बचना यम पॉसिबल, सबको बुला लिया पिक्चर देखने, अब पिक्चर देखना ही पड़ेगा। ओए मोटू पतलू, तुम लोगों ने हमें उल्लू बनाया, तुमने तो कहा था कि अंदर बहुत सारे लोग फिल्म देख रहे हैं। अरे बनाया हमको फूल, अब खाओ जूते चप्पल की धूल। ओए मारो दोनों को। यार पतलू बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो। लेकिन मोटू, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें कोई और प्लान बनाना चाहिए। अरे तुम ही कोई आइडिया निकालो, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। कोई ऐसा प्लान बनाओ कि फुरफुरी नगर के सब लोग देखने आए। आइडिया,
अरे सब लोग लाइन में लगकर टिकट लेकर अंदर जाना, सिर्फ 10 रुपए टिकट, सिर्फ 10 रुपए टिकट। भाई टिकट किस बात के लिए? अरे ताकि अंदर कोई फालतू लोग ना जाए, और 10 रुपए के टिकट के लिए हजारों की पार्टी आज रात को है। हाँ 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 हाँ, ये भी सही है। अरे मोटू तू तो समझदार हो गया। अरे मोटू पार्टी कहाँ है? भाई यही तो है हमारी पार्टी आज रात को। ओए मोटू बतलो, पार्टी पार्टी बोल के तुम लोग अपनी फिल्म दिखाते हो? हेलो हेलो चिंगम सर, प्लीज कम, जॉन बैंक लूट के भाग गया। मैं अब भी आया, लेकिन मैं आगे भी क्या कर लूंगा, उस जॉन को पकड़ू कैसे? मैं बर्बाद हो गया, वो आंधी की तरह आया और तूफान की तरह बैंक खाली कर गया। सर ये कौन आंधी की तरह आया और कौन तूफान की तरह बैंक को लूट गया? अरे वो जॉन और कौन, वो मेरा बैंड लेकर सबकी बैंड बजा रहा है। जॉन को पकड़ सके ये किसी में दम नहीं, मैं आंधी हूँ तूफान हूँ किसी बिजली से कम नहीं। पर सर जॉन का तो डायलॉग ये था, जॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसीलिए नहीं बोला चंपो कि तू डायलॉग बोले और मैं तुझे छापड़ लगाऊं। सर अब इस तरह कब तक मार खाते रहेंगे? उसने कानून पे हाथ उठाया है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल। जॉन, चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल। तुम्हारे खेल खत्म, हैंड्स अप करो, हैंड्स अप। चिंगम सर, आप जब तक फायर नहीं करोगे ये जॉन हैंड्स अप नहीं करेगा। फायर की आवाज पे मेरा हाथ उठ जाता है। ओके, तो ये लो। ये नारियल मेरे सिर पे ही क्यों गिरते हैं? रोज कोई ना कोई आके हमें तंग करता है, आज इनको नहीं छोड़ूंगी। यहाँ से चले जाओ, कहीं और जाके खेलो वरना अच्छा नहीं होगा। ओहो, एक छोटी सी नन्ही सी गिलहरी हमें डरा रही है, धमका रही है, देखे तो तुम क्या कर सकती हो। अरे
जाओ। नहीं मोटू, मोटू वापस आ जाओ, और भी बॉल है तुम्हारे पास। अरे ये बॉल का नहीं, हमारी इज्जत का सवाल है, मेरे साथ आओ। ए गिलहरी, स्टॉप स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ, बॉल वापस करो, ये मेरा बॉल है। बॉल वापस कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। तुम बहुत बहादुर हो मोटू, यहाँ आ तो गए हो, नीचे कैसे जाओगे? जैसे ऊपर आया हूँ वैसे ही नीचे जाऊंगा। जरा नीचे तो देखो। अभी भी समय है, वापस चले जाओ वरना इसी गोल्फ क्लब से मारूंगी। ये मुंह और मसूर की दाल, ये गोल्फ क्लब तुमसे उठेगा भी। लो मारो, देखे कैसे मारती हो। उठाओ उठाओ। मम्मी ये बादाम खा लो। शंख चुरा के ले जाए तो हमारा पीछा छूटेगा। अरे कहाँ भागे जा रहे हो जॉन? घर आए मेहमान की कुछ खातिरदारी तो कर लेने दो। अपनी जान बचाओ, जॉन से लड़ना इम्पॉसिबल है, वो डॉन है डॉन। अरे तुम्हारी अकल घास चरने गई है क्या? समझते क्यों नहीं, हमारा उस शंख से पीछा छूट गया, ये बड़ी खुशी की बात है। मैं इसीलिए तो तुम्हें रोक रहा था, अब खाने दो जॉन को डंडों की मार। अरे जॉन शंख बजाते क्यों रहे, क्यों मार खा रहे हो? अरे जब से शंख चोरी करके लाया हूँ, रुपयों के बैग्स पे बैग्स बढ़ाता जा रहा हूँ। ये देखो अब और कितने बैग्स बढ़ाओ, खर्चा करने का टाइम ही नहीं है, हर वक्त ये शंख ही साथ रहता है। क्या करूँगा इतने रुपयों का, सिर्फ स्टंडे से मार खाता जा रहा हूँ दिन भर हर रोज। बचाओ, सॉरी गलती हो गई, मोटू पतलू बचाओ। अरे आप मार खाओ या रुपए खाओ, हम कुछ नहीं जानते। नंबर वन, नंबर वन, मुझे देख के शंख बजाओ। Oh!
दोबारा शहरों की पुलिस भी मिलकर नहीं कर सकते। फिर मोटो मेरे सामने तुम क्या चीज हो, बोलो और मारो और मारो। बॉस, बॉस, ये आइडिया ठीक नहीं है, अब भाग चलो। अरे डरपोक चमचो, मैदान हो डर, अगर मैदान छोड़ के भाग गया तो चोर डाकुओं के बीच हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। आज तो मैं इन मोटू पतलू को सबक सिखा कर रहूंगा। मत मारो जॉन द डॉन, मुझे मत मारो। मेरे बाकी के चार जॉन कहाँ गए, कहाँ गए? मुझे अकेला छोड़कर भाग गए क्या? तुम भी मुझे छोड़ दो, मोटू छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। आज मोटू पतलू को एक पार्सल मिलेगा। अरे पतलू, लगता है ये भूत तो नहा धो के हमारे पीछे पड़ गए। फिर से मैसेज, ये लो, भूतों ने कहा और पार्सल भी आ गया। मुझे तो अब भी लगता है कि किसी की शरारत है। चलो पार्सल खोल के देखते हैं। अरे वाह, घड़ी है, लेकिन इसकी टाइमिंग गलत है। देखो अभी टाइम क्या हो रहा है और घड़ी में बज क्यों रहा है। मैं अभी इसे सही करता हूँ। कौन हो तुम लोग? यमराज भैया, हम मोटू पतलू हैं। यहाँ कैसे आए? बम फटा और हम आ गए। अरे अभी तुम्हारा टाइम नहीं हुआ, ऐसे कैसे आ गए? कोई काम धंधा नहीं है क्या? मुंह उठाए चले आए? चलो हटो यहाँ से, वापस जाओ। ओए मोटू पतलू, मेरे यार, मेरे पाई, ये क्या? मेरे घर में दरवाजे खिड़कियां भी है, वहां से भी तो आ सकते थे। छत तोड़कर आने की क्या जरूरत थी मेरे भाई? मत पूछो बड़े भैया, बड़ी दुख भरी कहानी है। फिलहाल तो तुम हमें देखकर खुश हो जाओ, क्योंकि हम सीधे यमराज के यहाँ से लौट कर आ रहे हैं। हमारा 20 साल का तजुर्बा भी है, किसी को भी हम यमराज के यहाँ से लौट के आते हुए नहीं देखा। अरे तो अब देख लो। मोटू मेरे पाए, मेरे यार, ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ है? पर भैया, कल भूतों का एक मैसेज आया। ओए, उस प्रोजेक्टर का रिमोट अब भी मेरे हाथ में ही है, वो जो लिखेगा हम उसे बदल देंगे। जय हो। अरे सब समझ गया बड़े भैया। बॉस, गोरे है मोटू पतलू। तो अब तमाशा शुरू करते हैं और मजा लेते हैं। मोटू पतलू के घर में आग लगेगी। अरे ये क्या हुआ पतलू? ये तो भूतों ने जीना मुश्किल कर दिया है। हमें माफ कर दो, हमने कोई गलती नहीं की, लेकिन बिना गलती की ही तुमसे माफी मांग रहे हैं। हमें माफ कर दो प्लीज। मोटू चलो जल्दी घर पे देखते हैं, अगर ऐसा सचमुच हो गया तो हम कहाँ रहेंगे? प्लान चेंज, आग अब जॉन के घर में लगेगी। बॉस बॉस, ये क्या चक्कर है, ये लिखा हुआ बदल कैसे गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। बात बात लगता है
हम लोगों ने भूतों के नाम पे मोटू पतलू को दलाया तो अब तत्मुत के भूत हमारे पीते पलते। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, चलो देखते हैं। मेहरबान कदरदान साहिबान, ये जादू तो आपने बहुत देखे होंगे। क्या जादू है? हाँ तो मैं कह रहा था कि ये जादू तो आपने बहुत देखे होंगे, पर एक नया शो, नया कमाल दिखाता हूँ। मैं एक आदमी को गायब करके दिखाऊंगा, तो प्लीज आप में से कोई एक बहादुर मेरे पास आ जाए। आप तो शक्ल सूरत से ही बहादुर लग रहे हैं, आइए आइए। मोटू सावधान। बताइए साहिबा कि मोटू जी किस बॉक्स में है? इसमें। इसमें। अरे भाई मोटू जी कहाँ गए? वो तो इस बॉक्स में भी नहीं है। मैं यहाँ हूँ। पता नहीं कैसे जादू से मैं बॉक्स से बाहर चला गया। आप महान जादूगर हैं। बॉस कहाँ है? बॉस कहाँ है? मेरा खेल खत्म, मैं चलता हूँ, बाय। ए, चलो यहाँ से, पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। ये मांगने वाले जहाँ पार्टी देखी वहीं पहुँच जाते हैं। चलो चलो। अरे चुप करो, बोलते ही जा रहे हो। जान मेरे भाई, मेरे यार, कसम मेरे मरीजों की, ये क्या हाल बना रखा है यार, हुआ क्या है? क्या बताओ, जाना किसी और को होता है और चला मैं जाता हूँ। आने वाला समय तरक्की और खुशहाली का समय होगा, ये आप सभी देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मेयर साहब जिंदाबाद, मेयर साहब जिंदाबाद, मेयर साहब जिंदाबाद। अब मेयर के लिए इलेक्शन में खड़े मिस्टर जॉन एक छोटी सी स्पीच देंगे, प्लीज मिस्टर जॉन। नंबर वन, मैंने तुमसे कहा था कि कमलपुर जाके किसी नेता दादा भाई से अच्छी सी स्पीच लिखवा के लाओ। तुम स्पीच लिखवा के लाए हो ना? बहुत बढ़िया स्पीच लिखी है दादा भाई ने, इसे पढ़ो और देखना बॉस, लोग एकदम खुश हो जाएंगे और आपको ही वोट देंगे। दूसरे देशों से कई साल पीछे चल रहे हैं क्योंकि हमारे मेयर साहब हमें आगे नहीं ले जाना चाहते। मैं फुरफुरी नगर में हवा में टैक्सिया चलवा दूंगा ताकि हमारे बच्चे बिना डर और फिकर के सड़कों पे क्रिकेट खेल सके। सोचो, हवा में टैक्सिया। आप पड़े जूते जान को, सर झुका लो, नीचे सर झुका लो। शहर में हवा में ट्रेन चलवा दूंगा ताकि हमारे बच्चे रेलवे ट्रैक्स पे रोलर स्केट्स चला सके बिना किसी डर के। न ट्रेन, न बस, न टैक्सी, कुछ भी नीचे नहीं चलेगा, सब हवा में चलेगा, हवा में। अब तो जूते बरसे ही बरसे। ये तो कमाल का मेयर होगा। दोस्तों, हमारा मेयर कौन है? जॉन है भाई, जॉन है।
तुम्हारा मेयर कौन है? जॉन है भाई, जॉन है। बस 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 करो, कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। इलेक्शन के बाद बहुत मार पड़ेगी। दोस्तों, घर घर में तेल के कुएं लगवा दूंगा। पुरपुरी नगर की जमीन में बहुत तेल है। हर घर में हर महीने 10-10 किलो सोना भिजवाऊंगा। पुरपुरी नगर के नीचे सोने की खान है। ये तो फुरफुरी नगर का नक्शा ही बदल देगा। हमारा मेयर कैसा होगा? बिल्कुल जॉन जैसा होगा। मेयर साहब, आपने कहा था हर महीने हम सबको 10-10 किलो सोना देंगे, तो हम सब 10-10 किलो सोना लेने आए हैं। और हवा में ट्रेन चलाने में भी कम से कम 50 साल तो लग ही जाएंगे। हाँ, शायद इससे भी ज्यादा लगे। दोस्तों, जॉन हमें बेवकूफ बना रहा था। अगर 10-10 किलो सोना नहीं दिया तो फिर देखना। दोस्तों, वो स्पीच कमलपुर के दादा भाई ने लिखी थी, मैंने तो सिर्फ पढ़ी ही थी। वो मैंने पढ़ी ही क्यों? लोग तालियां बजा रहे थे और मैं जोश में आता गया। अब मार खा के होश में आना। तीन। मोटू, अब जल्दी से थोड़ा पाउडर डाल दो, रात भर एसी के इफेक्ट में सोएंगे। अरे, इतना बड़ा घर है, इतने से पाउडर से क्या होगा। हाँ, थोड़ा इन दीवारों पर भी डाल देता हूँ। भाया, इतनी गर्मी में मोटू पतलू के घर के बाहर आइस, बड़े कमाल की बात है। अरे मोटू पतलू, अरे क्या है चाय वाले भैया? अरे भाया मोटू, मैं तुम्हारे घर में सो जाऊं क्या? क्यों, तुम्हारा घर नहीं है क्या? अरे घर तो है, पर तुम्हारी तरह ठंडा ठंडा नहीं है। देखो ना, तुम्हारी दीवारों पर कैसी बर्फ जमी हुई है। अरे मोटू, ये तुमने क्या किया? दीवारों पर भी पाउडर छिड़क दिया क्या? अरे तो बढ़िया हो गया ना, अब पूरी रात आराम से ठंडक में सोएंगे। और मैं भी यहाँ सोऊंगा। मैं भी सोऊंगा यहाँ पर। हाँ, मैं भी यहाँ सोऊंगा। आ जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया है, बढ़िया जगह है, लगता है इसी रूम में रहे। क्या हुआ बॉक्सर भाई? बॉक्सर भाई, देखो ना, लोगों ने हमको हमारे ही घर से बाहर फेंक दिया और खुद अंदर आराम से सो रहे हैं। प्लीज, आप हमारी मदद करो। ओए, तुम्हारे घर के बाहर ये बर्फ कैसी जमी है? अरे वो हम बाद में बताएंगे बड़े भैया, पहले आप हमारी मदद करो। जरूर, आखिर एक पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। उन लोगों के इतने हिम्मत, तुम्हारे घर से तुम्हें ही बाहर कर दिया। अभी बताता हूँ। भैया थैंक यू, आज पहली बार आप हमारे काम आए, हमें बहुत अच्छा लगा। अब हम अपने घर में आराम से सो सकेंगे। मैं सोऊंगा, तुम दोनों बाहर जाओ। स्टॉप,
घोसला, तुम बैंक लूट के ऐसे भाग नहीं सकते। तुम्हें कानून की कसम, भारत माता की कसम, रुक जाओ। सर आप उधर जाओ, हम इस तरफ जाते हैं। हाँ संभल के चलना। ओके। तुम दोनों को मेरे ऊपर ही गिरना था क्या? मोटू पतलू, मोटू पतलू, मोटू पतलू। मैं तो कहता हूँ यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। लगता है बरसात हो रही है, देखो ऊपर से पानी बरस रहा है। पतलू भागो। मैं ऑलरेडी भाग चुका हूँ। बॉस बॉस, लगता है हम जिंदगी भर यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। बचाओ, 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 बचाओ। पकड़ते पकड़ते हम खुद ही अरेस्ट हो गए। अब इस टनल से हम निकले तो निकले कैसे? वो देखो चिंगम सर उधर से गए। चिंगम सर अरे तुम्हें कानून की कसम, भारत माता की कसम, चिंगम सर अरे कैसे पुलिस वाले हो, एक अपराधी को गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। मैं सरेंडर कर रहा हूँ। सेनापति। कौन पति 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 है? ओए अम्मा कौन सेनापति? तुम हमारे सेनापति हो। जाओ जाकर सलीम को जंजीरों में जकड़कर कैद खाने में डाल दो। स्टॉप स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ। ऐसे मेरे पुलिस स्टेशन में घुसकर तुम किस सलीम की बात कर रहे हो? कौन सा सलीम, कैसा सलीम, किधर का सलीम? हम जिस घर में गए थे वहाँ पर सलीम है। वो दुबला पतला है, चश्मा लगाता है। सलीम से हमें बादशाह सलामत के खिलाफ बगावत की बू आ रही है। ए मोटू, वो सलीम नहीं, पतलू है, पतलू तुम्हारा दोस्त। बादशाह सलामत को मोटू कहा? हम अभी तुम्हारा सिर कलम करवा देंगे। अरे माँ नहीं नहीं सर, कलम मत करना मत करना। मैं अब भी सलीम को लेकर आता हूँ। मोटू ये सब क्या है? मैं कोई सलीम वलीम नहीं हूँ, अरे पतलू हूँ तुम्हारा दोस्त। तुम्हारी याददाश्त तो नहीं चली गई? चिंगम सर आप भी इसकी बातों में आ गए। मैं क्या करता? मोटू आई मीन बादशाह सलामत ने सिर कलम करने की धमकी दी थी। बस बहुत हो गया, जब तुम्हारा दिमाग अपनी जगह पर लौट आए तो तुम भी घर लौट आना, मैं जा रहा हूँ। सलीम रुक जाओ, पहले ये बताओ कि अनारकली कहाँ है? सलीम इसे हो क्या गया है? मेरी
वेरी गुड माय सुपरस्टार, बादशाह के कैरेक्टर में रहो और अपने सेनापति को कहो कि तुम्हें बॉडीगार्ड दे। वो तो पहले ही बहुत नाराज है, फिर भी एक बार कहता हूँ। तो ये जॉन है, फेस बदल कर मोटू को उल्लू बना रहा है, अब आएगा मजा। सेनापति, हमारी फौज कहाँ है? 10 सिपाहियों को कहो कि मेरे आगे पीछे चले। 10 सिपाही कहाँ से लाओ? लाते हो या नहीं? जहाँपनाह, मैं आ गई हूँ। तुम कौन हो? मैं अनारकली हूँ। लेकिन तुम तो पतलू हो। और वो डायरेक्टर जॉन है जो तुम्हें उल्लू बना रहा है ताकि हम सब तुम्हारे दुश्मन बन जाए। क्या? उसने हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, हम उसका सर कलम करवा देंगे। ऐसे नहीं, आइडिया मैं देता हूँ, सुनो। जहाँपनाह, ये रहा सलीम, इसी ने मुझे आपके खिलाफ बगावत करने को कहा। कौन सलीम? किसका सलीम? मैं सलीम नहीं हूँ। तो ये है सलीम, हमारे शहजादे होकर हम ही से बगावत। सिपाहियों, आक्रमण! सलीम को दीवार में चुनवा दिया जाए। ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सलीम को दीवार में क्यों चुनवा रहे हो? मोटू, तुम्हारे अंदर सच में अकबर द ग्रेट घुस गए हैं क्या? अरे मोटू, कैरेक्टर से बाहर निकलो। देखो, मैं जॉन हूँ, मैं हूँ जॉन द डॉन। रुक जाओ, रुक जाओ, तुम सब सिपाही नहीं हो। चिंगम सर, हेल्प प्लीज, हेल्प। मेरा हर प्लान मेरे ऊपर हर बार भारी क्यों पड़ता है, उल्टा क्यों पड़ता है? बचाओ, कैरेक्टर से बाहर निकलो ना, प्लीज। मोटू पतलू ने ये कौन सा पौधा लगाया है? अगर मैं इसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचूं, तो मैं अरबपति बन जाऊंगा। अरे चिंगम सर, बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, कुछ करो ना प्लीज। वो रॉक्स वाला डॉगी तो पीछे ही पड़ गया है। इस पुलिस स्टेशन में कोई अटैक नहीं कर सकता, अगर किया तो उसे गिरफ्तार कर लूंगा। अरेस्ट, अरेस्ट, अरेस्ट। वो देखो, कुछ तो गड़बड़ है, किसी ने कुछ ना कुछ तो किया है, इसीलिए वो सिर्फ हमारे ही पीछे पड़ा है। जल्दी बताओ कि किसने क्या गलती की है, जल्दी बताओ कि कोई वहाँ से कुछ उठा कर तो नहीं लाया। नहीं नहीं बाबा, हम वहाँ से कुछ भी नहीं लिया। मोटू, कहीं गलती से तुम तो वहाँ से कुछ नहीं लाए? नहीं नहीं, मैंने तो वहाँ से कुछ भी नहीं लाया। सच बोलो, नहीं तो? अच्छा अच्छा, याद आया, मैं वहाँ से एक छोटा सा पौधा उठा कर लाया था, और कुछ नहीं। अरे पौधा लिया था तो बताया क्यों नहीं? अरे मैंने सोचा कि उससे फुरफुरी नगर की बिजली की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, रात को लाइट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, जल्दी चलो, उसको पौधा वापस देते हैं। चलो। थैंक यू वेरी मच, ये पौधा बहुत ही अच्छा है। अब इस पौधे को बेचकर मैं अरबपति बन जाऊंगा और तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगे। मेरा तुम लोगों से हमेशा के लिए पीछा छूटा, तुम्हारा अपना जॉन द डॉन। यार अब क्या करेंगे? और क्या, जॉन के डेन में जाकर उससे पौधा छीन लेंगे। जॉन, जल्दी से वो पौधा दे दो। नहीं, अब ये पौधा मेरा है।
आज नहीं, कल दूंगा, कल भी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं दूंगा। ये क्या बला है? पौधा टैंक को चाहिए, अब वही तुम्हारा हिसाब किताब करेगा। अरे पहले बोला था ना, ये लो ये लो। अरे अब क्या हुआ, हम तो गलती से पौधा यहाँ लेके आए थे। अरे चोरी तो जॉन ने की थी, उसको सजा दो लेकिन हमें मत दो। I'm sorry, मैंने तो पौधा गलती से उठा लिया था। Sorry, very sorry. अरे दे तो दिया, अब और क्या दो। Sorry, help, बचाओ। यहाँ तो दिन दहाड़े लूट मची है, शरीफों का जमाना ही नहीं रहा। वो मेरी मेहनत की कमाई है, मेरी मेहनत की चोरी की कमाई है। लौटा मुझे, नंबर वन नंबर टू, मुझे बचाओ। कंप्लेन लिखवानी है। अरे बैठने का ये क्या नया तरीका है? हमने अभी अभी इजाद किया है, तैयार किया है, तुम्हें भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे कंप्लेन लिखवानी है। चिंगम सर, मेरे नोटों से भरा बैग किसी ने दिन दहाड़े रोड पर से उड़ा लिया है। ठीक है, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारा बैग कहाँ से गायब हुआ? मेरे बॉस ने बहुत मेहनत से बैंक से आज सुबह ही पैसे चुराए थे। हम लोग बैंक से निकले और जमीन के नीचे से कोई चीज आई और बैग लेकर गायब हो गई। जॉन, तुम्हें शर्म नहीं आती? बैंक लूटते हो और उन पैसों की चोरी की कंप्लेन लिखवाने थाने में आते हो। पहले मैं तुम्हें अरेस्ट करूंगा, फिर उसको ढूंढूंगा। हेरा फेरी जॉन और उसके चमचों को जेल में डालो। ओके सर। ये जॉन चल रहे। डाल दो जेल में, डाल दो। पर मुझे ये तो बताओ कि ऐसे क्यों बैठे हो और कब तक ऐसे बैठे रहोगे? ये क्या मिला है? मुझे रुपए नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। ले जाओ प्लीज। नंबर वन नंबर टू, हेल्प करो, मुझे छुड़ाओ। ये रूट्स तो केबल के साथ साथ हम लोगों को भी पाताल में ले जाने का मूड में दिखता है। मार छुटिया बबड़ वाले नो, मैं तो कहता हूँ भाग लो यारी। बड़े भैया बचा लो। आज पता नहीं सवेरे से हमारे साथ क्या गड़बड़ी हो रही है। जो देखो वही हमें पीट रहा है, जहाँ जाते हैं बस मार खाते हैं। पहले बॉक्सर ने हमारे ही समोसे चुराए, फिर हमको ही पीटा। अरे फिर चाय वाले ने, उसने भी हमको पीटा। अरे कैसे दोस्तों, हमारी इतनी पिटाई हुई और तुम्हारे मुंह से तसल्ली के तो बोल तक नहीं फूटे। मोटू मेरे भाई, मेरी यार, कसम मेरे मरीजों की, मुझे तुम्हारी पिटाई का बहुत दुख है यार, मगर अब मैं क्या करूं, ये सब मेरे एक आविष्कार की वजह से ही तो हो रहा है। फसाद की जड़ तुम ही हो। अब मेरी जितनी पिटाई हुई है उसका दो गुना मैं तुम्हें पीटूंगा। कम से कम फोन करके भी नहीं बता सकते थे क्या? रुक जाओ। अरे ये तो सोचो, अभी तो ये शुरुआत है, आगे तो और भी मुसीबत आएगी। जितनी ज्यादा देर तक पोस्टर जॉन के पास रहेगी, वो उतना ही ज्यादा उधम मचाएगा। तो तुम्हें कुछ उपाय सोचो पत्रो, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। आइडिया, दुनिया के सबसे महंगे डायमंड की प्रदर्शनी, नंबर वन नंबर टू, तुम लोग वैन लेकर अड्डे तक पहुँचो। मैं ये सारे डायमंड लेकर अभी वही आता हूँ। छोटी मोटी चोरियां तो बहुत की, अब जरा तगड़ा हाथ मारा जाए। होते बात। Wow.
आंसर असली है। नंबर वन, नंबर टू, मैं किस होल से अंदर आया था? अरे ये तो मुझे बताओ। बॉस, हमें क्या पता, आप जानो। अरे हमें पता है कि तुम किस होल से अंदर आए थे जॉन, हम बताते हैं। और जेल ले जाता हूँ। सर, कुछ देर हमें भी मारने दो। मैं इसे ले जाकर नष्ट कर देता हूँ, वरना फिर किसी गलत आदमी के हाथ पड़ जाए तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा यार। हाँ। अरे पोस्टर को नष्ट करो, मुझे क्यों नष्ट कर रहे हो? हेरा फेरी, रुको। चलो खाने खिलाओ, खिलाओ खिलाओ और खिलाओ। ये लो। अरे वो रसगुल्ला, इसको मत खिलाना, मैं इसको ठीक करता हूँ। ये इतना बड़ा बैट खा गया। मिठाई खाओ और जी भर के खाओ। खाना खाने से दांत में कीड़े लग जाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं। हाँ। तुम लोगों ने मिलके मुझे कुछ गड़बड़ खिला दिया है, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अरे डरो नहीं, डरो नहीं, ये डॉक्टर झटका है, ये तुम्हें अभी ठीक कर देंगे। हाँ। कीड़े तो लग गए थे। और देखो यार, इसमें भी जम्स था। अरे मेरे सभी दांत चले गए, अब तो कुछ नहीं बचा है, अब मैं खाऊंगा कैसे? ओ, मेरा खूबसूरत चेहरा बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। अरे ये तो सरासर आपकी ही गलती है, आप धरती पर आए, सबको कितना परेशान किया, हम लोग तो मना कर रहे थे कि इतना मत खाइए मत खाइए, लेकिन आप खाते गए और आपके दांत में कैविटी हो गई। देखिए, एक शर्त पे हम आपको ठीक करेंगे कि आप ठीक होने के बाद अपने प्लैनेट पे वापस चले जाएंगे। चला जाऊंगा मैं वापस अपने प्लैनेट, चला जाऊंगा, मुझे ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो। ये बात तो बहुत अच्छी है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर झटका, मोटू पतलू, थैंक यू वेरी मच। अब मैं अपने घर जाऊंगा, लेकिन एक काम अभी बाकी है। ये सब उस जॉन की वजह से हुआ है, उसे थोड़ा सबक सिखाना है। ऐसे हो दोस्त। थैंक यू जॉन, तुमने बहुत अच्छा खाना खिलाया,
अब मेरी बारी है तुम्हें कुछ इनाम देने की। अरे इनाम की क्या जरूरत है, चलो चल के बैंकों की तिजोरियां अपने दांतों से काट दो, बस समझो कि मुझे इनाम मिल गया। अभी काटता हूँ। बचाओ, अरे मैंने क्या किया, आजकल भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। क्या हो रहा है यार, है? बड़े भैया ये होर्डिंग का बोर्ड लगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ उल्टा सुल्टा हो रहा है। कभी वेल्डिंग नहीं होती तो कुछ रॉड लंबे और छोटे हैं। ओ यार बस इतनी सी बात है, ये लो मेरा वेल्डिंग गन और ये है स्पेशल लेजर कटर, इससे तुम लोग कोई भी मेटल आसानी से काट पाओगे यार। पतलू, पहले मैं सारे मेटल रॉड नाप कर काट देता हूँ, फिर तुम उन्हें एक साथ जोड़ देना। अरे मोटू तुम काटने पीटने का काम मत करो, सही से नहीं कर पाओगे, ये मैं कर लेता हूँ। नहीं मैं करूँगा। नहीं मुझे करने दो। नहीं मैं करूँगा। ये तो कमाल की चीज है, अगर मेरे हाथ लग जाए तो मजा आ जाएगा, बड़ी से बड़ी तिजोरी काट के बैंक लूट लूंगा। अरे मोटू बंटू आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? पकलू मुझे ये कर नहीं दे रहा है, मुझे अपना काम करना है। अरे तुम दोनों की जोड़ी तो फेमस है, ऐसे लड़कर अपना नाम क्यों खराब कर रहे हो? ओए, उसका मकान कैसे गिर गया? अरे वो भी टूट गया और वो भी। ओहो बेचारे कितने दुखी होंगे ना। अरे अपना भी तो मकान देखो, देखे अब तुम दुखी होते हो या गुस्सा? ओ तेरी, किसने किया ये? आपके चहेते दोस्त मोटू और पतलू ने ही किया है। नहीं छोड़ूंगा। अरे पतलू ये क्या कर दिया हमने, कुछ करो। अरे भाग के कहाँ जा रहे हो? अरे मैं कहता हूँ रुक जाओ।